महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा है कि बागी विधायक उनके पास आए और उनसे कहें तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे। बता दें आपको कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच बुधवार रात को मुख्यमंत्री आवास वर्षा से अपने आवास मातोश्री से छोड़े। बता दें आपको कि इस दौरान उनके समर्थन में बड़ी संख्या में शिव सैनिक भी मौजूद है। बता दें आपको कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने बुधवार रात को दावा किया है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनका कहना है कि अगर हमें मौका मिले तो हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करके दिखाएंगे। बता दें कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं। उन्होंने 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बता दें आपको कि एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार में सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी का ही फायदा हो रहा है। शिवसेना को इस गठबंधन से बाहर निकलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एमवीए की सरकार ने सिर्फ घटक दलों को फायदा पहुंचाया है, शिव सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि घटक दल मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिवसेना और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए अस्वाभाविक गठबंधन से बाहर आना जरूरी है। अब महाराष्ट्र के हित में फैसला लेने की जरूरत है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बचेगी? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।